अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने फर्स्ट पाइथन के प्रोग्राम को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम विजुअल स्टूडियो में कुछ एक्सटेंशन भी जो है इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आपने एक फोल्डर बनाना है पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से, मैंने बनाया है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे ऊपर इस जगह पे आप लिखें सीएमडी, और सीएमडी लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखें कोड डॉट। कोड डॉट लिखने से ये क्या होगा कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, और उसमें ये वाला जो फोल्डर है पाइथन ट्यूटोरियल का, ये आपका उसके अंदर ओपन हो जाएगा। अब इसके लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इसको इजीली जो है वो गूगल पे जाके डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड लिखें, तो आप इजीली वहां से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो ये करना है कि आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो एक्सटेंशन थे यहाँ पे आपने आ जाना है, और यहाँ पे आपने ऊपर सर्च करना है पी वाई। पी वाई को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास पाइथन की कुछ एक्सटेंशन आ जाएंगी, उसमें आपने दो एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर देनी है। मैंने भी ये इंस्टॉल कर ली है, आप भी इनको इंस्टॉल कर लें। एक है पाइलैब, इस पर आपने क्लिक करना है, और ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ होगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने दूसरी जो इंस्टॉल करनी है वो है पाइथन जो कि है इंटेलिजेंस की तरफ से, इसको भी आपने इंस्टॉल कर देनी है। ये दोनों आपने इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपने विजुअल स्टूडियो को एक दफ़ा बंद करके एक दफ़ा दोबारा ओपन कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई इफेक्ट उसमें अप्लाई होने हो तो वो आपके परफेक्टली हो जाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, वापस मैं एक्सप्लोरर पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फाइल, तो मैं न्यू फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स डॉट पी वाई। तो पाइथन की पार्ट की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है पी वाई, जैसे एच टी एम एल में डॉट एच टी एम एल होता है, जावा में डॉट जावा होता है, पी एच पी में डॉट पी एच पी होता है, सेम पाइथन में पी वाई होता है। ये करने के बाद मैं इस पे एंटर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने एंटर पे क्लिक किया तो ये देखिए परफेक्टली आपके पास एक फाइल जो है वो बन गई है, और यहाँ पे आपने अगर पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड देन दैट्स इट। यहाँ पे कोई भी सेमी कॉलन वगैरह नहीं आएगा। एक चीज आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है कि अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आपने देखा होगा पीएचपी जावा वगैरह पे आप हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लगाते हैं, तो पाइथन में आपके पास ये सेमी कॉलन नहीं होता। दूसरी चीज, आप अगर कोई कंडीशन लगाते हैं, जैसे इफ कंडीशन अगर मैं पीएचपी में लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन लगानी होती है, और फिर यहाँ पे मुझे ये कर्ली ब्रैकेट देने होते हैं। पाइथन में ये कर्ली ब्रैकेट भी आपके नहीं होते, उसमें आपका सिंपली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इफ लिखा, यहाँ पे आपने कंडीशन लिखी, और फिर यहाँ पे आपके आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है। इंडेंटेशन बेसिकली क्या होती है, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है फ्रॉम, तो मैं यहाँ पे टैप का बटन प्रेस करूंगा तो ये देखें आगे मूव हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पे आप अब जो भी काम लिखेंगे वो आपका यू कंसिडर किया जाएगा कि ये इफ कंडीशन के अंदर है। तो इन दो चीजों का आपने खास ख्याल रखना है, एक तो सेमी कोलन आपने नहीं देनी होती, दूसरा आपने इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना होता है। अगर आपने इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखा तो आपके पास सीवियर एरर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे देखिए प्ले का बटन है और लिखा हुआ है रन पाइथन फाइल, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपका ये टर्मिनल ओपन होगा, और यहाँ पे आप देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप विजुअल स्टूडियो कोड में एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे टर्मिनल में, और कमांड प्रॉम्प्ट में इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप सिंपली क्या करेंगे, अपने फोल्डर पे आ जाएं और यहाँ पे ऊपर आप लिखें सीएमडी। सीएमडी लिखने ऊपर सीएमडी लिखने से ये होगा कि ये देखिए मेरा जो फोल्डर है उसका पाथ कम्प्लीटली यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई अगर आप लिख के एंटर करेंगे तो देखिए परफेक्टली हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पे भी आ गया है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे कंफर्टेबल हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करें, लेकिन इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको अब एटलीस्ट इतना आ गया होगा कि आप पाइथन की फाइल बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।